सो फाइनली दोस्तों हीरो कंपनी अपनी मोस्ट अवेटेड स्कूटर जूम 125 आर को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जो कि दोस्तों डायरेक्ट टक्कर देगी न्यू टीवीएस जुपिटर 110 को। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसी जूम 125 आर के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ कि इस स्कूटर को कब तक हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेंगे और इसकी प्राइस क्या होगी। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी स्कूटर खरीदनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ कि टीवीएस कंपनी ने कुछ ही दिन पहले अपने जुपिटर 110 का 2024 मॉडल को लॉन्च किया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम जूम 125 आर के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी ऐसे ही बाइक और स्कूटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस स्कूटर के लुक के बारे में बताऊं तो इसकी जो लुक है दोस्तों वो आपको काफी अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे, जो कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें मिलने वाले फीचर्स के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसमें आपको ऑल एलईडी का लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा, फुल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा जिसमें आपको रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर तो मिलेगा ही। इसके अलावा इसमें अंडर सीट स्टोरेज और फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक के साथ आपको सिंगल चैनल एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम का फीचर्स भी मिलेगा। तो फीचर्स जो है दोस्तों वो इस बाइक में आपको काफी सारे देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसमें मिलने वाले इंजन और पावर की तो इसमें आपको 124.8 सीसी का BS6 फेज 2 वाला नया इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 9.5 bhp की पावर और 10.14 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। माइलेज की बात करी जाए तो दोस्तों इसमें आपको लगभग 65 kmpl का माइलेज देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों इस स्कूटर की एक्सपेक्टेड प्राइस 1,00,000 से 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। वही लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हीरो जूम 125 आर को जनवरी 2025 में हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों हीरो जूम 125 आर एक अच्छी स्कूटर होने वाली है। तो इस अपकमिंग स्कूटर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आई होप कि यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।